उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ मैं आपको एक बहुत इफ़ेक्टिव हेयर मास्क बनाना बताने जा रही हूँ, जो कि जैसा कि गर्मियों का सीज़न है और बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं और हेयर ग्रोथ रुकी हुई है, हेयर फॉल हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये हेयर मास्क। इसके लिए मुझे चाहिए होगा पहले योगर्ट। जो योगर्ट है मेरे पास, आप देख सकते हैं मैंने 3 स्पून योगर्ट लिया। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो योगर्ट होता है ये फुल ऑफ प्रोटीन होता है, जो बालों को नॉरिश करता है और ये हमारे बालों को प्रॉपर ग्रोथ और हेल्थ देता है। इसके अलावा इसमें लैक्टिक एसिड और जिंक भी पाया जाता है, जो हमारे बालों की स्काल्प क्लेंजिंग में बहुत इफ़ेक्टिव है एंड हमारी जो डेड स्किन होती है उसको क्लियर करता है, और इसमें स्मूथिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इसके अलावा मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ 2 eggs। अगर आपके बाल ऑयली हैं तो आप जस्ट एग वाइट यूज़ करेंगे, अगर आपके बाल ड्राई हैं तो आप एग योग यूज़ करेंगे, अगर आपके बाल नॉर्मल हैं तो आप पूरा एग यूज़ करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जो एग है ये भी रिच इन प्रोटीन होता है, इसमें ओमेगा 3 है और बायोटिन पाया जाता है। जो एग योग्स होती हैं इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती हैं और इसमें बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन एंड फॉलिक एसिड पाया जाता है। ये जो होल एग होता है ये हमारे बालों की हेयर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे ड्राई हेयर को मॉइस्चराइज करता है, ये ब्रेकेज को क्लियर करता है और हमारी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा मैं इसमें एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। एलोवेरा जेल भी बालों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ये बालों को स्मूथ करती है और भी बहुत सारे बालों की इश्यूज़ को क्लियर करती है। इसके अलावा मैं इसमें कैस्टर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। जो कैस्टर ऑयल है ये हमारी डैंड्रफ ख़त्म करता है हमारी स्कैल्प से और हमारे बालों को स्मूथ और शाइनिंग करता है, और इसके साथ साथ ये बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा मैं यहाँ पे एलमंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। एलमंड ऑयल जो है बालों की स्ट्रेटनेस और रिपेयर करता है बालों को और ग्रो करता है। इसके अलावा जो आलमंड ऑयल होता है ये हाई अमाउंट ऑफ विटामिन ई इसमें पाया जाता है, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा मैं इसमें हनी ऐड कर रही हूँ। जो हनी है ये हमारे बालों के लिए एक ग्रेट मॉइस्चराइज़र है, ये हमारे बालों को शाइन देता है, हमारे डल बालों को, और ये डैमेज जो हमारे बाल हो रहे होते हैं उनको प्रिवेंट करता है, डैमेज होने से बचाता है। हमारे बालों को भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, इसी तरह ये मास्क हमारे बालों को वो सब चीज़ें प्रोवाइड करता है जो हमारे बालों को चाहिए होती हैं, जो हमारे खाने में से बालों में नहीं जा रही होती या किसी ना किसी तरह रुक चुकी होती हैं। तो दैट्स वाई ये हेयर मास्क बहुत इफेक्टिव है। इसको 2 वीक्स में 1 टाइम ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इसके लिए मुझे यूज़ करना है 3 स्पून। मैंने योगर्ट लिया है, मेरे पास 2 eggs हैं, मेरे बाल चूँकि नॉर्मल हैं इसलिए मैं होल एग्स यूज़ करूँगी। ये मैं ऐड करती हूँ इसमें। एलोवेरा जेल में इसमें 1 स्पून ऐड कर रही हूँ। ये कैस्टर ऑयल है। ये इसमें मैं 1/2 स्पून ऐड कर रही हूँ। एलमंड ऑयल है, ये भी मैं 1/2 स्पून ऐड करूँगी। इसके अलावा ये हनी है मेरे पास। ये मैं 1 स्पून इसमें ऐड करूँगी। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे विटामिन ई के कैप्सूल हैं जो 200 mg में हैं, ये मैं 3 to 4 ऐड करूँगी इसमें। आप चाहें तो 400 mg भी यूज़ कर सकते हैं और 600 mg भी यूज़ कर सकते हैं उनका। जस्ट आप एक कैप्सूल 600 अगर आपके पास है तो जस्ट एक कैप्सूल यूज़ कर लेंगे। 200 mg में 3 कैप्सूल यूज़ करूँगी।
अच्छे से मिक्स कर लें। इस हेयर मास्क को आपने 40-50 मिनट अपने बालों पे अप्लाई करना है, और आप देखेंगे इसके बाद आपने किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने हेयर वॉश कर लेने हैं। आप देखेंगे आपके बालों में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आ जाएगी इस मास्क को अप्लाई करने से। अगर आप ऐड करना चाहें तो इसमें आप मस्टर्ड ऑयल मतलब के यानी कि सरसों का तेल भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास ये ऑयल नहीं घर में प्रोवाइड, जो भी ऑयल आपके पास है वो ऐड कर लें, 1 स्पून कर लें। अगर एक ही ऑयल है तो इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ऑलिव ऑयल भी मेरे पास इस टाइम वो नहीं है इसलिए मैं वो यूज़ नहीं कर रही हूँ। मेरे पास ये दोनों ऑयल अवेलेबल थे, मैंने इसलिए ये ऐड किए, और ये मेरे बालों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तकरीबन सब बालों पे ये ऑयल सूट कर जाते हैं। इसका कोई भी जो है वो गलत रिज़ल्ट, ड्राई बाल हों आपके, चाहे आपके बहुत ऑयली बाल हैं या नॉर्मल हेयर हैं, सबके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ईद आने वाली है, ईद से पहले ये एक बार दो बार लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत इफेक्टिव है मास्क है, और आपको अंदाज़ा होगा इसको यूज़ करने के बाद आपके बालों में एक अजीब तरह की शाइन और स्मूथनेस आ जाएगी फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने से ही। अगर इसको आप आफ्टर 2 वीक्स में एक बार अप्लाई करते हैं, और इसी तरह 3 मंथ्स रेगुलर आप यूज़ करते हैं, तो आपको इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर ये मास्क जो मैंने बनाया है ये मैं अपनी बेटी के बालों पर अप्लाई करने लगी हूँ। देख सकते हैं आप इसके माशाल्लाह बाल बहुत अच्छे हैं, घने हैं, लेकिन इनमें ज़रा भी आजकल रफनेस आई हुई है, बिल्कुल ऑयलिंग नहीं करवा रही थी, अब मेरे काबू आई है। तो मैं इसके भी मास्क लगाऊंगी ये वाला, और अपने भी अप्लाई करूंगी। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत इसको अप्लाई करने के बाद आप कोई शावर कैप ले लें या कोई शॉपर जो है उसे अपने सारे हेड को कवर कर लें ताकि आपके कपड़े ना ख़राब हों। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसके बालों पर मास्क अप्लाई कर दिया है। मैं ये रबर बैंड से इनको बंद कर दूँगी। अच्छे से नहीं, तो नहीं, नहीं चुप हो जाओ।